सुजानपुर में सब्जी विक्रेताओं के रेट लिस्ट को जांचने के लिए थाना प्रभारी सतपाल शमनर ने आज मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सभी सब्जी विक्रेताओं ने रेट लिस्ट लगाकर रखी थी। सब्जी विक्रेताओं के द्वारा रेट लिस्ट लगाकर सब्जी बेची जा रही थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2 गज की दूरी और लोग मास्क पहनकर बाजार में आ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने इस पर आम जनता से भी सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान सुनिश्चित किया कि दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। उन्होंने वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को अपने वाहन का प्रयोग न करने पर नहीं है, बल्कि आम जनता से वे आग्रह करते हैं कि बिना किसी कारणवश अपने वाहनों को लेकर सड़क पर ना चलें। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि सब्जी विक्रेताएं लिस्ट लगाकर सब्जी बेच रहे थे और किराना की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के द्वारा भी अपनी दुकानों के बाहर गोले लगाकर एक एक ग्राहक को ही सामान दिया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। हम तो प्रतिदिन जब से कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारी टीम में हम लोग खुद में जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, लोगों को बराबर गाइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, गैदरिंग ना करें, अपना अपना सामान लेके घर में जाएं और ड्यूटी काम से ही आए बाजार में और दुकानों पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। और आज की डेट में तो हमने किया, जो हमें रेट लिस्ट वगैरह चेक करी हैं दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान के बाहर, सबने रेट लिस्ट लगा है, सब अनुपालना कर रहे हैं और सब लोग निर्धारित रेट के मुताबिक ही सामान बेचना पाए गए हैं और कोई भी ऐसा कोई वायलेशन नहीं पाया गया। सर, वाहनों की ज़्यादातर जो असेंशियल, जैसे कोई बीमार है, कोई वैक्सीन लगवाने आ रहा है, उनको भी पूछा जा रहा है। इस संदर्भ में हमारा बैरियर भी लगा हुआ है जहाँ, तो उन्हीं गाड़ियों को लॉक किया जा रहा है कि जो जरूरी, जिसको हम समझ रहे हैं कि जरूरी है इसका गाड़ी में जाना, उन्हीं को लॉक किया जा रहा है। बाकी आम जनता से आपके माध्यम से हमारा आग्रह है, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी गई हैं उनका दिल से कड़ाई से अनुपालना करें। उनकी द्वारा करी गई इस अनुपालना का जो जनता का सहयोग है, वो उनके अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके अपने समाज के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही ऐसी स्टेज में जरूरी है।